अ वेरी गुड मॉर्निंग दी ए चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू टूडे विद चैप्टर नंबर फोर हीट राइट हीट अ काइंड ऑफ एनर्जी हीट क्या है एक तरह की एनर्जी तो इसी चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज का टॉपिक राइट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हॉट एंड कोल्ड हॉट मीनिंग गर्म और कोल्ड का मतलब क्या है ठंडा मतलब किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो हमें गर्म या ठंडा है, है या नहीं वो पता चलता है और कितना आ, कितने लेवल पर है वो भी पता चलता है हम क्योंकि उसको फील कर सकते हैं राइट तो उस चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किससे मेजर करेंगे थर्मोमीटर से राइट अब थर्मोमीटर के बारे में मैंने बताया था आ, बेसिक टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर देयर एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर राइट दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर राइट right? जो हम बॉडी uh, टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं सो दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर फिगर 4.2 और एक था हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर राइट दिस इज फिगर 4.4 प्वाइंट फोर थर्मोमीटर साइज में क्लिनिकल थर्मोमीटर से काफी बड़ा होता है राइट right? और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर uh, जैसे बॉडी मेजर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लिनिकल सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तो ये बॉडी टेम्परेचर मेजर ना करते हुए ये ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का ठीक है ना ये लेबोरेटरीज में मिलता है आपको हमारी साइंस लेबॉरेटरी में भी मिल जाएगा आपको राइट इजिली अवेलेबल है तो ये वहां पर मिलता है और ये ऑब्जेक्ट्स का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का क्या टेम्परेचर है मेनली लिक्विड टेम्परेचर का लिक्विड uh, बॉडीज का उनका टेम्परेचर नोट करता है ये राइट क्लिनिकल थर्मोमीटर का मैंने वर्क आपको बताया था कि किस तरह से ये व, इसकी वर्किंग बताई थी कि ये वर्क करता है अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था दट देर इज अर इज एन ओपनिंग स्टार्ट इज देयर ये स्टार्ट है और ये इस जो स्टार्टिंग प्वाइंट है आगे कंडक्टर लगा हुआ है इसके अंदर मर्करी फील्ड है इस टेम्परेचर इस थर्मोमीटर में मर्करी यूज होती है सो वाई इज इट सो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आई होप आपने इसका आंसर देखा है uh, तो चलिए इसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके अंदर मर्करी फील्ड होता है क्यों मर्करी फील्ड है पहली बात तो यही मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में है तो वो राइज भी कर सकता है सेकेंडली मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी मर्कर इजिली बॉइल नहीं हो सकता तो ये हायर टेम्परेचर नोट करने में भी हेल्प करेगा कि अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए वो भी नोट करेगा दूसरी तीसरी बात ये है कि मरकरी कैन बी इजिली एक्सपैंडड मरकरी इजिली एक्सपैंड हो सकता है मीन्स फैल सकता है मीन्स अगर जरा सा भी टेम्परेचर आएगा इसके अंदर जरा सा भी नॉर्मल uh, टेम्परेचर से ज्यादा डिफरेंस आएगा तो ये फटाफट -फट से एक्सपैंड होकर राइज कर जाएगा यानी हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर है ज्यादा ठीक है थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर हम डिटेक्ट कर सकते हैं मर्करी की हेल्प से तो इसलिए बेटा मर्करी यूज होता है और कोई मेटल यूज नहीं होता राइट ऑल्सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट हीट को कंडक्ट भी करता है ये राइट अच्छा अब चलिए मर्करी अगर मैं थर्मोमीटर की बात करूं क्लिनिकल थर्मोमीटर तो इसकी रीडिंग लेने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए पहली बात तो हम थर्मोमीटर को हॉरिजॉन्टली इसको आ, हॉरिजोंटली ही हैंडल करेंगे मतलब अगर इसको हमने होल्ड करना है तो हॉरीजोंटली हम होल्ड करेंगे और टंग के नीचे रखते हैं बेटा टेम्परेचर को नोट करने के लिए जो किंग पॉइंट है इसको टंग के नीचे रखेंगे ताकि इजिली टेम्परेचर नोट हो सके क्योंकि टंग के नीचे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है बॉडी का राइट तो उसको वन मिनट के लिए एटलीस्ट रखेंगे अपनी टंग के नीचे ही बिल्कुल स्टिल स्टेबल राइट ताकि मर्करी लेवल ताकि हीट इसके अंदर जा सके और उसकी वजह से मर्करी लेवल जितना राइज होना है हो सके तो एक मिनट के आसपास हो जाता है राइट right? तो जब यहां पर राइज हो गया राइज होना स्टॉप हो जाता है ठीक है तो एक मिनट के अंदर अंदर ये हो जाता है राइज होना जब ये स्टॉप हो गया तो हम थर्मोमीटर को बाहर निकालकर जहां पर मर्करी लेवल स्टॉप्ड है वहां पर उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं सपोज यहां पर मर्करी लेवल स्टॉप्ड है अगर मैं यहां की बात करूं यहां पर मर्करी लेवल स्टॉप हो गया तो 37 सेवन डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर नोट हो जाता है अभी 37 सेवन डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट है टेम्परेचर uh, का ही यूनिट है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज होता है ठीक है अगर 37 डिग्री सेल्सियस की बात करूं मैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस हो तो वो फेरेन में 98.6 डिग्री फेरेन ये इसके इक्वल होता है यानी हम कहते हैं ना कि 98 एट टेम्परेचर है बॉडी का 98.6 एट है तो बॉडी नॉर्मल है हम ऐसे बोलते हैं ना अगर इतना टेम्परेचर है तो बॉडी नॉर्मल है ये नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का अगर इससे ज्यादा हो जाए 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी में फीवर है तो ये फैन हाइट में नोट करते हैं हम ठीक है और सेल्सियस में वो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छा एक चीज और है क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है नाउ वट इज दैट किंक अगर मैं किंक की बात करूं तो वो किंक क्या होता है बेटा ये स्टार्टिंग में देर इज अ अंक ये एक एलिवेशन है जो किंक हम बोलते हैं ये क्लिनिकल uh, थर्मोमीटर में प्रेजेंट होती है ये क्यों प्रेजेंट होती है क्योंकि बेटा अगर राइस जल्दी हो रहा है मरकरी तो निकालने के बाद बॉडी से निकालने के बाद फॉल भी तो जल्दी होगा तो उस फॉल को बचाने के लिए एक किंक होता है ताकि वो इजिली फॉल ना हो सके और हमें एक्यूरेट टेम्परेचर मिल जाए ठीक है क्लियर है बेटा